पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूज से लिखा गया है जो 1940 में शरीर के मुसलमानों ने अपने मुस्तकबिल का फैसला किया जिसमें मुसलमानों के शरीयत वाले इलाके पर मुस्तमिल वतन के क़याम का मुतालबा शामिल था। बंगाल से लेकर सूबह सरहद और कश्मीर तक के मुस्लिम लीग के कायदीन ने और कारकुन क़यादत में इकट्ठे थे। 23 मार्च को सामियाने कश्मीर की सफर में शिरकत की जिसमें मौलाना गुलाम हैदर अजंदावी, सरदार फतेह मोहम्मद कुरैशी, ख्वाजा अब्दुल रहीम, ख्वाजा मुनीर हुसैन और नाज शामिल थे। 1857 से 1940 तक बरसरीर के मुसलमानों ने अजीम मुसलमानों के लिए एक नजरिए के लिए कुर्बानियाँ दी लेकिन अपने अकीदत को ना छोड़ा। माशी बदहाली का शिकार होते रहे लेकिन उन्होंने अपने इज्जत नफस को जरूर न किया। अब वक्त आ गया था कि मुसलमान अपने हकूक के लिए उठ खड़े हो और अपनी अहमियत का हिंदू और अंग्रेजों को एहसास दिलाए। तो फिर सब्र पाकिस्तान के हाले इलामा इकबाल के अजीम मुतवा अलाहाबाद 1930 में जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग सी मुस्लिम की तजवीज पेश की थी इसके 10 साल बाद अपनी जमा पहनाने का दिन आ गया। अगर अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाते तो हिंदुओं को ही इंतजार मिलता और हमेशा मुसलमान हमेशा हिंदुओं के गुलामी में रहते। दोनों में तो ज्यादा धन्यवाद है। शरीर के मुसलमानों को अपने अल्लाह के वजूद का एहसास हिंदू और अंग्रेजों को दिलाना था यही हमारे को जिस पर पाकिस्तान का प्यार जाना गया है। मिल्लत के साथ रابطہ इस्तबारा मिल्लत के साथ रابطہ इस्तबारा व्यवस्था रहे शतश उम्मीद है बहारा और इसी बात पाकिस्तान का अंग बदान है कायदा से पूर्ण करते हैं मुसलमान की तरफ से सरदार था लेकिन सरदार पाकिस्तान का नाम लिया। कायदे आज़म ने अपनी सियासी जिंदगी के तथा हिंदू की कांग्रेस की और शमूलियत तैयार की जब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुस्लिम को जहर के हामी रहे जब हिंदुओं के रहनुमाओं मुसलमानों के हला उत्ता सब पॉलिसियों का हमने गुजारा देखा तो मुस्लिम लीग मुस्लिम के जमात मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और जर अहमद खान और इलामा इकबाल के दो हुक्मी अखबार को तस्लीम कर लिया। साथ फिर सात साल के अरसे के बाद जदोबहद से जदोजहद करके पाकिस्तान हासिल कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान को पहली नजरियाती हकीकत का एहसास हासिल हुआ। सरदार पाकिस्तान ही वो जो बिलआखिर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शों में आएगा। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू होता है पत्थर की मूर्तों में समझा है तू होता है भारतीय वतन का मौज को हर को हरा देता है। जनाब सदर 1940 का तारीख और करदाद पाकिस्तान को इसलिए कि एक इज्तमाही तौर का शख्साना था तो इज्तमाही तौर पर यह तहरीक का रूप धारे हुए थे। इससे पहले इनकी ना कोई सरजमीन थी जहाँ वो अपने अकीदे और मजहब के मुताबिक आज़ादी से जिंदगी बसर कर सके और ऐसी सरजमीन के असूल लगन ने इन्हें लज्जा कर दिया था। ये कौन एक कायद से बराई में तमाम चली ये बात जैसे तमाम दुनिया ने एक वाह से तफीर हुए लफ्ज़ में देखा है वो दिन वो वक्त तो इस बात 1940 का इस दिन का हाल ऐसा था
जैसा हमारे इस्लाम ने हमें दर्श दिया है। इस्लाम ने तमाम किस्म के फरके वाकियात को बस कुछ डाल दिया और रंग नसल और तो बात अफार खत्म कर दिया। उसने ना कोई सिंधी था, ना कोई पंजाबी, ना कोई बलोची, ना कोई पठान था, बल्कि सब मुसलमान थे और एक अल्लाह को मानने वाले थे और उसके पैरोकार थे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन की निजाम पैदा, आ जरूरत इस कदर की है, इस दिन मुल्क के बारे में सोचे जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें तहरीर और इकरार पाकिस्तान से सबक लेने की जरूरत है। आइए आज ऐलान करें कि मुस्लिम पाकिस्तान की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के तहफ्फुज़ की खातिर अपने हुक्म आखिरी कदम बढ़ा देंगे। तमाम साथी मेरे सब यकजुबा होकर नारे लगाइए।